बह गया अनुज के मन से 40 साल का लावा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। एक बात तो आज कहनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि जितने भी करेक्टर्स हैं अनुपमा धारावाहिक में, उसमें सिर्फ एक अनुज ही है जिसको हम कह सकते हैं कि इसने बहुत कम, इवन ये कह दो कि कोई भी गलती नहीं की है तो जायज होगा, इसने गलतियां नहीं की हैं। माया के ट्रैक में एक दो गलतियां हुई हैं, वो भी उसके अंदर के गिल्ट में चली गई और बाद में उस गिल्ट को बात भी की, अनुपमा से बातें भी हुई, वो सब हुआ। इन दोनों की मान की जोड़ी ही ऐसी है कि एक दूसरे की बातें समझते हैं, मगर आज इस जोड़ी ने जो दिखाया है वो बहुत ही दिल को दुखाने वाला है। पहले अनुपमा का अनुज को ना समझना, इतनी बड़ी खबर सुना देना जो कि वाकई में तकलीफ देता, और फिर अनुज का जो अंदर का लावा फूटा उससे बहुत दुख हुआ। एक ऐसे करैक्टर को पीड़ा में देख के जिसने कोई गलती ही नहीं की है, दुख तो होता है दोस्तों। जिसने हर पल सबका साथ दिया है, हर किसी की मुसीबत में खड़े रहे हैं, उसी करैक्टर के ऊपर इतनी बड़ी चीजें हो रही हैं और साइड में सब लोग खड़े अपनी अपनी टिप्पणी कर रहे हैं कि मैं तो समझता हूं, मैं तो समझती हूं वगैरह वगैरह, तो बुरा तो लगेगा। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एक कहावत है कि जिस तन लागे सो तन जाने। सब लोग कहते जरूर हैं कि मैं आपकी पीड़ा समझता हूं, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन एंड ऑल, बट कोई किसी की पेन समझ नहीं सकता है। इवन मदर और चाइल्ड के बीच में भी, बच्चे को जब तकलीफ होती है हम सोचते हैं कि मां उसकी दर्द को समझती है, बिल्कुल समझती होगी, मैं इसको डिनाई नहीं करती हूं, मगर जो बच्चे को पेन हो रही है, जो उस लाइफ को पेन हो रही है, वो उसी पेन को समझ सकती है और वो लाइफ अपनी पेन को ही समझ सकती है। क्योंकि मां ये समझ सकती है कि बच्चे को पेन हो रही है इसलिए मुझे भी दर्द हो रहा है, मगर जो बच्चा दर्द फील कर रहा है वो बच्चा ही फील कर सकता है। और यहां पे मालती देवी एक ऐसी मां सामने आई है जिसको कोई भी मां नहीं कहेगा। देवकी यशोदा की एग्जाम्पल दे रही है अनुपमा यहां पे। मुझे तो सच में अनुपमा के करैक्टर पे यहां पे बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, कैसे देवकी के साथ मिला रही है मालती देवी को, क्या देवकी की हिस्ट्री नहीं जानती है, कितनी कठिनाइयों से उसने उस बच्चे को पैदा किया, कितनी कठिनाइयों में उसके पिता ने उसको एक सुरक्षित जगह पे भेजा और एक मां की गोद में ही डाला, अनाथालय में नहीं डाला था यशोदा के, यशोदा का कोई अनाथालय नहीं था, तो कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। यहां पे यशोदा की एग्जांपल बिल्कुल ठीक है, अनुज को जिन्होंने पाला, जिन पेरेंट्स ने अनुज को इतना बड़ा किया, इतने संस्कार दिए, उनको यशोदा कहना बिल्कुल गलत नहीं है, मगर मालती देवी को देवकी कहना बिल्कुल गलत है। हर मां जो जन्म देगी वो देवकी कैसे बन सकती है, ये मेरी समझ से थोड़ा बाहर है, क्योंकि यहां ही नहीं कई बार ऐसी एग्जाम्पल शेयर होती है कि जन्म दिया तो देवकी, मगर देवकी ने किस पेन से कृष्ण कन्हैया को जन्म दिया था? एक प्रिजन में जन्म देना, इतने बच्चों की मौत के बाद जन्म देना, फिर उसकी सुरक्षा इंश्योर करना और उस पेन को सहना कि एक ही बच्चा बचा उसको भी उससे दूर कर लिया गया, ये देवकी थी जिसने अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए उसको भेजा था, दिल के टुकड़े को भेजा था, तो कैसे कंपैरिजन करती है ये अनुपमा। खैर यहां पे जो अनुज के साथ हुआ उसकी बात करते, क्योंकि अनुज के साथ जो हुआ ये ठीक नहीं हुआ, जिसपे सबसे ज्यादा विश्वास था कि ये मुझे समझती है यानी कि अनुपमा, उसी ने आज अनुज के सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट को सैड मोमेंट में बदल दिया। जो कुछ भी अनुज ने आज कहा एक भी बात गलत नहीं थी, सब बोल रहे मां मिल गई, मां मिल गई, हा 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 हो कर रहे हैं, अंदर से तो यही हो रहा है, चलो अनुज की मां मिल गई, ये कैसे हो गया, किसी का ये सवाल है, किसी का कुछ सवाल है, मगर उस इंसान का क्या सवाल है,
उसको क्या ये मां अब चाहिए? तो ये बड़ा अजीब सा सिचुएशन है जिसमें अनुपमा ने अनुज को डाल दिया है। ऐसी मां का क्या मिलना? मुझे ये जो अभी ये जो राज फाश हुआ है, किसी और तरीके से होता तो शायद चीजें हजम होती, मगर इस तरीके से हुआ है, मे बी स्टोरी की डिमांड होगी, कुछ भी होगा, मगर ये डाइजेस्ट नहीं होता है। एक प्रोटैगनिस्ट से जो कि इस शो को जो है लीड करेक्टर, उससे इतनी बड़ी गलती आप कैसे करवा सकते हो? अब अनुपमा हम देख रहे हैं कि अनुज की साइड में खड़ी है, तो मैं अपनी ही टीम के साथ डिस्कस कर रही थी कि ऐसी चीजें होती हैं, कैसे होती हैं। तो बीच में यह भी आता है, कई बार ऐसी न्यूज पता चलती है तो एक्साइटमेंट होती है कि मैं सबसे पहले यह खबर बताऊं। अंडरस्टैंडेबल है, होती है, हम लोग बच्चे थे, हमें भी होती थी, मगर जब हम बड़े हो जाते तो हमें यह पता होता है कि कौन सी न्यूज को किसके सामने कैसे रखना है। मैंने एक कमेंट में या कहीं वॉइस ओवर हमें आते हैं जो वीडियो में, उसमें भी हमें किसी ने बताया था कि अच्छी खबर हो या बुरी खबर हो, उसको सुनाने के लिए धीरज की जरूरत होती है, तो वो धीरज नहीं दिखाई दिया। आज जो भी अनुज कह रहा था ये अनुपमा की वजह से ही हो रहा था। जितनी तकलीफ हो रही थी अनुज को, वो अनुपमा की वजह से ही हो रही थी। मालती देवी तो वजह है ही, मगर इस वजह को सामने कौन लेके आया? अनुपमा रो रही है क्योंकि अब वो पछता रही है। कोई जवाब था मालती देवी के पास? अब कुछ लोग ये भी कह सकते कि मालती देवी बीमार है, मगर जो डॉक्टर ने कहा उसको भी अगर हम सोचें तो उन्होंने क्या कहा था कि माइनर है, फिजिकली फिट है, मगर वो एक तरह का याद भूलना आना ये माइनर है, बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। तो मालती देवी तो यहां पे वो बड़ी बीमारी दिखा रही है कि वो सब कुछ ही भूल गई है। तो ये जो आज अनुज का लावा फूटा है दोस्तों, इसका बहुत बड़ा असर हुआ है अनुज की जिंदगी में। क्योंकि अगर हम लावे की एग्जांपल में दे रही हूं, तो जिस चट्टान से लावा फूटता है वो चट्टान जल जाती है सब तरफ से, वही अनुज के साथ हुआ है। मगर एक चीज जरूर मैं कहूंगी इसमें अच्छी हुई है कि ये लावा फूट गया, क्योंकि उसके बाद जो शांति होगी, जो एक होता ना कैथारसिस हो गया अनुज का, तो अनुज को भी थोड़ी शांति फील होगी। इतनी जल्दी नहीं, मगर उसने बहुत कुछ बोला अनुज ने आज, और सही बोला, जो कुछ भी उसके मन में था वो सब बोला उसने। अनाथ बच्चों के लिए बहुत सही बोला, सच में लोग कैसे छोड़ देते हैं अपने बच्चों को। ये तो चलो, मैं तो आपको एक अपनी लाइफ की एक एग्जाम्पल बताती हूं कि ये तो एक अनाथ आश्रम तक छोड़ने वाली बातें हैं। कुछ लोग तो अपने बच्चों को कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। मेरे हस्बैंड को एक बच्ची मिली थी, किसी ने उसको जो एक रैपर होता है, आई थिंक एक दिन की या दो दिन की बच्ची होगी, उसको उसमें डाल के एक उसमें डाला हुआ था कचरे के डिब्बे में। बच्ची को किसी ने काटा, बच्ची के रोने की आवाज है, सुबह मॉर्निंग वॉक पे लोग इकट्ठे हुए, मेरे हस्बैंड भी वहीं पे पहुंचे, क्या हो गया क्या हो गया, तो पता चला कि बच्ची को न्यू बॉर्न बच्ची को छोड़ दिया गया है, लड़की थी वो। तो हमने पूछा कि हम लोग इसको ले लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, मगर इसके लिए कुछ कागजी कार्रवाई थी, पुलिस आ गई, वो सब हुआ, बच्ची को वो लेके चले गया, नाथालय में डाल दिया, उसके बाद नंबर लगता है वो सब चीजें। मगर इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि बच्चों के साथ ऐसा होता है। मैं तो ये कहती हूँ कि जो नाथालय तक पहुंचते वो भी लकी ही होते हैं, जो ऐसे झाड़ियों में ऐसे पाए जाते हैं वो बच्चे तो कितने अनलक्की बच्चे होते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स को तो सूली पे लटका देना चाहिए जो बच्चों को पैदा करते हैं। अगर आप नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते तो आप बच्चों को पैदा ही मत कीजिए। वो भी एग्जाम्पल्स हैं जो बच्चों को पैदा करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जैसे कि हमारे घर की मेड्स, दो दो तीन तीन बच्चे होते हैं, झाड़ू पोछा करती है, इतना कुछ करती है, बच्चों को नहीं छोड़ती है। तो दोनों तरह के एग्जाम्पल्स हैं, मगर उन एग्जाम्पल्स पे बहुत शेमफुल फील होता है जो ऐसा करते हैं। इसलिए ये सारा दर्द जो अनुज के अंदर था वो बाहर निकला, और यहां पे जो छोटी आके मिली वो बहुत अच्छा लगा। तो ये जो चीजें हैं ये लावा ही होती हैं ऐसे बच्चों के अंदर।
ये तो अनुज है जो इतनी बड़ी एम्पायर का मालिक बना, मेहनत की सब कुछ, क्या ऐसे बच्चे तो बिगड़ते भी बहुत है। तो ये जो स्टोरी अनाथालय वाली जो इन्होंने इसमें कोलैबोरेट की है, जो मैसेज दिया है, ये मैसेज समझने वाला है। मगर अफसोस कि वो लोग शायद ये धारावाहिक देखते हो या नहीं देखते हो जो ऐसा करते हैं, क्योंकि हर कोई कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने तो कभी ऐसा किया नहीं है, क्योंकि ये करोड़ों लोग देखते हैं इस धारावाहिक को। अगर कोई एक भी इससे सीख जाए और अपने बच्चे को अपनाए, अगर किसी ने ऐसा किया है, तो ये धारावाहिक का पर्पस पूरा हो जाएगा। तो आज ये जो अनुज ने कहा है और अपनी माँ को माँ कहने से इनकार किया है, वो मुझे बिल्कुल ठीक लगा है, क्योंकि फिलहाल अनुज का डिसीजन यही होना चाहिए था, और यही है अनुपमा की रिटर्न गिफ्ट जो अनुपमा ने अनुज को दी और अनुज ने अनुपमा को दी। अब अनुपमा इस रिटर्न गिफ्ट का क्या करे, ये अनुपमा को देखना है। क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.